झांकी है, अभी तो आगे बाकी है, अभी तो ये झांकी है। अब तो सुबह से शाम तक पूरा देश जान गया कि कर्नाटक की जनता ने फुल समर्थन दे दिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हाँ। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में जीत दर्ज कर ली है और मैं AICC यानी कांग्रेस का जो राष्ट्रीय कार्यालय है उसके मेन गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं। आगे जी आशीष, हम आपको दिखा देते हैं कि कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस जीत पर सभी को बधाई। डॉक्टर उदित राज जो पूर्व सांसद हैं, इसके अलावा तमाम और लोगों ने यहाँ पर बाकायदा पोस्टर लगा दिया है। आप देखिए इस पोस्टर नज़र डालिए, अब्दुल वाहिद कुरैसी ने पोस्टर लगाया है कर्नाटक विधानसभा चुनाव 23 में कांग्रेस की प्रचंड जीत होने पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और उनका छोटा पोस्टर है अब्दुल वाहिद कुरैसी का, और दूसरी जगह बड़ा पोस्टर लगाया गया। मैं आपको बता दूं कि जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले थे किस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा साहब, ये लोग लगातार प्रचार कर रहे थे और जो इनके स्टार प्रचारक थे वे सभी लोग गए हुए थे कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे और पूरी राजनीति को एक तरीके से बदलने की कोशिश की गई किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत ले। लेकिन कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश सुनाया है, अपना आदेश दे दिया, फैसला दे दिया और अब कर्नाटक के ही जो है जो कांग्रेस पार्टी से ही है जो है कि वही वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस से हैं आप, कांग्रेस पार्टी से हैं आप? कांग्रेस जीत गई कर्नाटक में, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, पूरा दुनिया खुश है। कौन खुश है? पूरा ऑल इंडिया खुश है उससे, सबके सबको सब। तो एक राज्य है वो, तो एक राज्य है। कौन राज्य है तो राज्य को उल्टा पलट हो गया कि नहीं? अब खुश नहीं होगा, अब इससे शुरुआत हो गया है, आगे के लिए शुरुआत हो गया है। तो राहुल गांधी को क्या प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप लोग? अरे प्रधानमंत्री वक्त आने दो ना, तो उसके बाद ना। वक्त आने दो तो बनेगा। वक्त आने दो बताया जाएगा। कांग्रेस तमाम नेताओं जब मैंने बातचीत किया तो उन लोगों में अलग उत्साह है। उन लोगों का साफ कहना है कि देखिए कर्नाटक जो है पहला राज्य है, इसके अलावा उन लोगों ने हिमाचल जीता था और अब राजस्थान में चुनाव होना इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, इसी साल छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है और जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी वहाँ पर जीत दर्ज करने का काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई आरोप लगाती है। हिंदू मुसलमान की बात BJP करती है, ऐसा कांग्रेस साफ कहती है, लेकिन वहीं कांग्रेस कहती है कि वे लोग सभी धर्मों को, सभी लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से JP नड्डा साहब जो BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपमान किया है नरेंद्र मोदी जी का, राहुल गांधी ने अपमान किया है OBC समाज का और जो देश की जनता, कर्नाटक की जनता है वो किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को माफ़ करने वाली नहीं है। और इसके साथ ही 40% कमीशन की बात की गई थी, घोटाले की बात की गई थी, भ्रष्टाचार की बात की गई थी, हिजाब विवाद आपको याद होगा कर्नाटक से शुरू हुआ था और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। कांग्रेस ने कहा कि देखिए हम लोग जो है कि कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे और जो कर्नाटक जनता है, जनता ने फिलहाल कांग्रेस समर्थन में अपना आदेश दे दिया है, क्या कहेंगे आप? अब तो सुबह से शाम तक पूरा देश जान गया कि कर्नाटक की जनता ने फुल समर्थन दे दिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये 40% का जो कमीशन वहाँ पे चल रहा था उसके एवज में जनता ने स्वच्छ और साफ सरकार बनाने के लिए जिन संकल्पित था और उन्होंने पूर्ण बहुमत में कांग्रेस को, राहुल जी को सपोर्ट किया है और अभी तो ये झांकी है, अभी तो आगे बाकी है, अभी तो ये झांकी है, आगे और भी जितने विधानसभा चुनाव झांकी है, अभी
जो है पूरी पिक्चर अभी बाकी है और 2023 का चुनाव है और यही चुनाव जो है जितने चुनाव होंगे यही सिर्फ इबारत लिखेंगे साल 2024 में जब पूरे देश में आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव होंगे। फिलहाल पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।